हेलो व्यूवर्स, आज मैं फलाहार बनाने सिखाऊंगी। आज सावन की शिवरात्रि है और त्रयोदशी तिथि है, और मैं जो बताऊंगी जिस तरीके से रेसिपी फलाहार बनाने की, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे फास्ट में मीठा चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है, पर मैं इस तरह से बनाकर बताऊंगी। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसे खा पाएंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डाल करके छोड़ दिया था। ये लगभग 50 ग्राम साबूदाना को मैंने पानी में डाला हुआ था, फूल के इतना सारा हो गया है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गया है 4 से 5 घंटे में। अब इसका मैं फलाहार बनाऊंगी, और इसमें डालने के लिए मैं रखी हूँ ड्राई फ्रूट। में सिर्फ मैंने यहाँ पर नारियल गिरी ली हुई है और पतली पतली सी लंबे लंबे में काट करके रखी हुई है, और थोड़ी सी किशमिश है, और एक हरी इलायची को मैंने इस तरह से कूट करके ले लिया है। गैस पे मैंने सॉस पैन चढ़ाया हुआ है और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। 1 चम्मच बड़ा चम्मच से घी ऐड करेंगे और फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे, एकदम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे इसे। और इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट को ऐड कर रही हूँ। और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे घी के अंदर इसे। आप देख सकते हैं ये 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से फ्राई हो गया है इस तरह से। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, लगभग 1 कप मैंने दूध ली हुई है। ग्राम से देखेंगे तो लगभग 300 ml दूध है ये। इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से उबालने देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसमें लगभग 3 चम्मच मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, छोटी चम्मच से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। डालेंगे और मिक्स करते हुए इसको अच्छे से दूध में उबाल आने देंगे। मैंने पानी को अलग कर दिया है, पानी को निकाल दिया है, और मैं इसके अंदर साबूदाना को डालूंगी। और इसको बराबर चलाते हुए बनाएंगे, पकाएंगे इसको। साबूदाना बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाती है, इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं बिल्कुल बन के रेडी हो गई हमारी साबूदाना फलाहार। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें इलायची पाउडर जो मैंने रखी हुई थी एक कूट करके उसको ऐड करूँगी इसके अंदर। इस तरह से डाल लेंगे इलायची पाउडर। के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मलाई को ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, पर हो तो आप ज़रूर डालिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से इसमें थोड़ा सी मलाई को ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है फलाहार। अब इसे मैं थोड़ी सी काबली बादाम से गार्निश कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं और नहीं भी। आप देख सकते हैं साबूदाने की खीर बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी बनाइए खाइए। अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ, बाय।